हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दो चीज़ें होती हैं, फैक्ट और रियलिटी, उसके साथ एक प्रोपेगेंडा होता है। तो जब तक फैक्ट और रियलिटी का पता ना हो लोगों को और गलत पर गलत चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो करेक्ट तो प्रोपेगेंडा बन जाता है। और जब फैक्ट और रियलिटी का लोगों को पता हो और जो प्रोपेगेंडा है तो वो चीज़ का काउंटर हो जाता है। बाकी मेरा टॉपिक भी कुछ इस तरह है, फैक्ट और रियलिटी और प्रोपेगेंडा। जो मसला पैदा हुआ गलत खबर, जो बात कुछ और थी उसको कुछ और का रंग दिया गया और वो प्रोपेगेंडा बन गया। प्रोपेगेंडा इतना बना के सोशल मीडिया के दिन अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पर हाइप की थी। आप लोगों ने भी सुना होगा प्रोपेगेंडा मारे और कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। तो आज उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा और कुछ कह के जो आपके सामने पेश करूँगा। तो वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बहुत अच्छा करना है ताकि फिर करते हैं वीडियो। नाजिन, जब तक जब पाकिस्तान बना है तब 1947 से हवेलियन के मकाम के लिए चौक एफ्टर पान अमीर मौर्य चौक, जो कि काफ़ी बिजी शहर है, बहुत बिजी चौक है। यहाँ पर वहाँ से स्कूल वगैरह के बच्चे जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो काम पे जाते हैं, मतलब जितने भी वहाँ के रहने वाले बासी वगैरह हैं, जारी हैशी हैं, वहाँ से गुजर के जाते हैं। और पहले होता था कि जो भी जिसने भी जुलूस वगैरह करना होता था, जलसा वगैरह करना होता था, कोई भी सियासी एक्टिविटी होती थी वहाँ जा कर करते थे। तो इससे जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे या मकामी थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वगैरह आती थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वगैरह आती थी और वो काफ़ी काफ़ी तंग वगैरह भी होते थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि दीनी जमात जो है, एक दीनी जमात वहाँ पर जलसा करती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक और दीनी जमात वहाँ जाती, तो एक किस्म के आप मेला कहने वहाँ मेला लगा रहता था। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जितनी भी दीनी जमातें थी उसमें अहले हदीस होगी, जहाँ हमारे अहले सुन्नत वाले हो गए, मतलब जितनी भी आप यहाँ पर जिस सारे दीनी जमातें हैं सारे मिल बैठ के एक वहाँ पर मुहिदा किया तकरीबन 1997 में। और मुहिदा ये था कि यहाँ पे जो चौक है अमीर मौलवी के नाम से चौक है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इतमा या सियासी एक्टिविटी या दीनी जो जुलूस जैसा जुलूस वगैरह हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ताकि उसका मकसद ये था कि वहाँ पे जो रिहायशी हैं, जहाँ लोकल हैं, जो भी वहाँ के वहाँ से गुजर के जाते हैं, जो जिन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम वगैरह चलाने होते हैं वो मुतासर ना, और उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो जारी रहें और उनको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पैदा ना हो। तो एक महत्व हुआ जिस पर मैंने सब ने अमल करने के लिए हामी भरी और सब किसान वगैरह भी थे, या अपने स्क्रीन पर वो महत्व देख भी सकते हैं। तो 1997 से लेकर अब 2022 तक वो महत्व ऐसे चलता आ रहा था, मतलब हर किसी ने उस पर अमल भी किया, किसी किस्म का कोई भी जुलूस वहाँ नहीं निकलता था। जो भी जुलूस जलसे जुलूस वगैरह होते थे, सियासी एक्टिविटी होती थी, वो मतलब मुख्तलिफ मकामात का चुनाव करते थे, सिलेक्ट करते थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता था। वो मकाम पुरमन चौक रहता और वहाँ पे जो वहाँ के बासी हैं, जो बाशिंदे हैं, जो भी गुजरने वाले हैं उनके लिए आज तक 2022 तक किसी किस्म की कोई भी मुश्किल वगैरह पैदा नहीं हुई। अब जो ये पीछे 12 रबी अव्वल गुजरा है, TRP वालों ने, जनाब अमीर साहब रिजवी साहब ने काम किया कि हम जुलूस लेकर आ रहे हैं वहाँ पे चौक पे और वहाँ पे अपना एक किस्म का जुलूस वगैरह निकालेंगे, जैसे होता है 12 रबी अव्वल के मौके पर जल्द से जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। तो इन साहब ने ऐलान कर दिया। तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल इंतजामिया थी, उन्होंने पहले मना किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे चौक है और यहाँ पे एक महत्व पहले से ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी
सियासी एक्टिविटी या कोई भी दीनी जो जलसा जुलूस वगैरह वो नहीं निकाला जा सकते हैं। और इस किस्म का बाजार ऐसा भी है जिस पर अब तक सब अमल करते आ रहे हैं और आप भी ऐसा ना करें। तो बार बिल्कुल गुजर गया, अगर वहाँ पे नहीं आने दिया गया तो इन साहब ने फिर ऐलान किया कि हम आ रहे हैं, 16 अक्टूबर को हम आएंगे, तो किसी के बाप में भी माता है जैसे भी मुझे रोक कर दे जाए, मैं यहाँ पे जुलूस निकालूंगा और सबके सामने निकालूंगा। ठीक है भाई, तो ये जनाब काफला लेकर चल पड़ते हैं लाहौर से भी, काफी मतलब जहाँ से जितने भी इनके मेंबर वगैरह होते हैं जो भी होते हैं, किसी कोई किसी शहर से कोई किसी शहर से, सारा एक किस्म का जत्था कहना जत्था बना के ये चल पड़े उसी जगह पर जहाँ पे मुहदा भी था, जहाँ पे किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी ममनू थी, और कोई भी मतलब जो दीनी जमात है उन्होंने भी अब तक वहाँ पे कोई भी जलसा जुलूस वगैरह नहीं निकाला हुआ था। तो ये किस्म का चैलेंज देकर डीसी वगैरह को या डिप्टी कमिश्नर जो एसी वगैरह हो गए, मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है, पुलिस आ जाती, सिविल इंतजाम आ जाते, जितने भी इदारे हैं सारों को चैलेंज करते हुए ये चल पड़े लाहौर से। चलते चलाते ये लाल हवेलियां से, जैसे कि मेरे चौक लाल हवेलियां से कुछ पहले, लाल हवेलियां से कुछ पहले वहां पे पुलिस वगैरह ने रुकावटें वगैरह खड़ी कर दी, क्योंकि पहले ये धमकी वगैरह दे चुके थे साहब अमीर साजिदी साहब, मैं यहाँ पे आऊंगा और जलसा जुलूस भी करूंगा और देखता हूँ मुझे कौन रोके दिखाता है। ठीक है, इंतजामिया ने अपना जो बच बचाव था मतलब आवाम को किसी किस्म की कोई भी मुश्किल से बचाने के लिए, वहाँ पे जो भी होती है पहले एहतियाती तदाबीर वो अख्तियार कर दी, और रुकावटें जो थी बैरियर वगैरह वो भी खड़ा कर दिए, ताकि किसी किस्म की कोई भी ना हम जानी हमारे नुकसान हो या किसी काम का और भी नुकसान हो, किसी भी जो कोई मुश्किल वगैरह पेश आती है। तो खैर ये जब इनका जत्था वगैरह और जो भी जुलूस वगैरह था लाहौर से लेकर पहुंचे हुए थे, वहां जाके हवेलियां थे लाल हवेलियां जो मुकाम है वहां से कुछ पहले इनका पुलिस से टाकर वगैरह हो गया। तो अफजाल साहब जरा पुलिस ने अमन अमान जो कि रेट दी वो बरकरार रखनी थी सूबे की, और लोगों को भी बचाना था कि मुश्किल वगैरह से तो आपस में इनके क्लैश वगैरह हो जाते हैं। तो साहब जरा मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि इसका कसूर है इसका नहीं, कुछ ना कुछ कसूर इंतजामिया का भी होगा, उन्होंने साहब जरा गलत तरीके से हैंडल किया जो कुछ भी किया। पुलिस ने शेलिंग वगैरह की, इन्होंने डंडे वगैरह बरसाए पत्थर बरसाए जिसमें 5-6 पुलिस वाले भी हलाक हो गए और इनका एक बंदा भी, 5-6 पुलिस वाले जख्मी हुए और काफी शदीद जख्मी वगैरह भी हुए और इनका एक बंदा भी मारा गया। तो ये थी हाल सूरत हाल, ये वाक्य पेश आया और जनाब फातवे पीछे से फिर यहाँ से लाहौर से रवाना हुए, और वहाँ जाके काफी ज्यादा मतलब जो तपिश वगैरह दी गई अपनी, तो लान तान भी की काफी, सर्विलेंस ने लान तान किए इदारों पर, लान तान की। तो वैसे भी इंसाफ सिस्टम हमारे मुल्क में है नहीं, जो इंसाफ आपके सामने है वो पिछले दिनों शराब जुते वगैरह बरी हो गया, मतलब जितने भी चोर उचक्के डाकू कातिल सारे ऐसा ऐसा करके एक एक करके बरी हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंसाफ की कोई हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, हर शहरी हर बंदा यहाँ पे नाउम्मीद हो चुका है, मायूस हो चुका है इंसाफ से। तो खैर इनकी जो बात थी, इन्होंने वहाँ पे जाके काफी तकरीर वगैरह भी की और काफी लानतान भी की इदारों पर, और इमरान खान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसका मकसद ये है कि इमरान खान की वहाँ गवर्नमेंट है और इमरान खान पर काफी ज्यादा लानतान हुई, और सोशल मीडिया पर भी टेल नाउ जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक एक ट्रेंड भी चला रहे हैं टीएलपी वाले इमरान खान के खिलाफ। तो ये सूरत हाल बनी है, अब इसमें मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि इमरान खान तो बैठा बनी कर इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट इनकी है वहाँ के पीके में, तो यहाँ पे जो इमरान खान को ब्लेम करने का या इमरान खान को गालियाँ देने का या उनको बीच में लाने का क्या मकसद, जब आपके एक इंतजामिया ने मना कर दिया, पहले इंतजामिया ने रोका हुआ था
मैदा सबके सामने था, मैदे पर अमल हो रहा था, पाप को इसने कहा वहां पे जाने के लिए। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था, या जो आप कारकुन वगैरह हैं जो हर किसी मतलब शिदत पसंदी जिनका शेवा है, और मुझे इनको देखकर वो उसकी बात याद आ जाती है कि जो अभी पीछे चला है निज़ाम-ए-आलम में था नूर सबा, तो सबा के जो हवारीन थे उनको जो वो अपने दिमाग से कोई नहीं सोचते थे, हसन सबा के जो फॉलोअर थे हवारीन थे वो अपने दिमाग से कोई नहीं सोचते थे, उनको जिस तरह उनका जो लीडर था वो कहता था वो उसी तरह करते थे। अब इनका भी यही है कि इनके जो फॉलोअर हैं इनका अपना कोई दिमाग है नहीं, जैसे इनका अमीर इनको कहता है ये बात उसके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि वहाँ पे पहले एक रोल मौजूद है, एक लॉ मौजूद है कि कोई जलसा जुलूस वगैरह ना किया जाए। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, एक थोड़ा बैकग्राउंड था, काफ़ी ज़्यादा हाइप वगैरह थी अभी तक ये मसला चल रहा है, तो मैंने सोचा इसका आपको हकैक से आगाह किया जाए और आपको जो हकैक है वो बताया जाए। होप तो वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ एक नए स्टोरी के साथ, तो इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।